नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ईएफटी प्रैक्टिशनर, एंजल हीलर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम एंजल्स को अपने घर में कैसे बुलाएं, एंजल्स कहाँ आती हैं और उनके आने से हमारे घर में क्या प्रभाव होता है। जी हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए से नए वीडियो रोज़ मिलते रहें। एंजल्स यानी फरिश्ते, हम इनको कैसे बुलाएं? दीज आर द मोस्ट पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जीज विच वी कैन इन्वोक इन आवर होम्स। हमें उनको बुलाने के लिए घर को बहुत साफ रखना पड़ता है। घर में कोई भी क्लटर नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें बिखरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनकी फ्री फ्लो में दिक्कत हो। ये ज़रूरी है। वो पसंद करती हैं ओपन स्पेसेस को, वो पसंद करती हैं कुछ खुली जगहों को। आप कुछ ऐसे परफ्यूम्स, आई मीन ऐसे एसेंस को यूज़ कर सकते हैं जो उन्हें पसंद हो। हर एंजल्स के अपने एसेंसेस हैं, वो हम लगा सकते हैं घर में ताकि वो अंदर आए हमारे घर में। आपको मालूम है जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम परफ्यूम लगाते हैं ताकि एक अच्छी स्मेल रहे और हम जहाँ से निकलें लोग हमें महसूस करें कि कोई निकला है। ऐसे ही अगर हम घर में अपने एसेंसेस लगाएंगे तो हम इनको वेलकम कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं आइए आप हमारे घर में और पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, और वो हमें अच्छा फील भी होगा जब वो हमारे घर में आ जाते हैं। दूसरी बात, हम क्रिस्टल्स को लगा सकते हैं। क्रिस्टल्स को लगाने से पहले ये ज़रूरी है वो पूरी तरीके से क्लेंज हों, पूरी तरीके से साफ़ किए हुए हों। उनको साफ़ करने के तरीका मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। उनको नमक के पानी में कुछ देर रख के उन्हें बहते पानी में धोना चाहिए, या फिर अगर आप रेकी चैनल हैं तो उसमें सिंबल्स भी डाल के क्लीन कर सकते हैं। चंद्रमा फुल मून नाइट पे आप उसको फुल मून नाइट में रख सकते हैं, मिट्टी में गाड़ के रख सकते हैं ताकि अर्थ एनर्जी ले ले, और सोलर एनर्जी सूर्य में रख सकते हैं। ये बेसिक तरीका है एंजल्स को क्लियर करने का, क्लीन करने का। और उसके बाद हम कर सकते हैं उसमें इंटेंशन देना। उनको पता होना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। उन्हें इन्वाइट करना है एंजल्स को अपने घर में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनको फैलानी है। आपको ये करना बहुत ईजी लगने लगेगा एक दो बार करने के बाद। अगर आपको डिटेल समझनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप एंजल हीलिंग कोर्स करेंगे तब भी आपको डिटेल में इनके बारे में मालूम पड़ेगा। आप अपने घर में बहुत रोशनी करके रखें। अंधेरे डार्क स्पेसेस किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को पसंद नहीं आती है। दे लाइक लाइट्स, आप लाइट्स लगाइए, उन्हें लाइट्स पसंद आती है, उन्हें रोशनी पसंद आती है। आप ऐसा कुछ करके रखिए। आप अच्छी ऐसे पिक्चर्स लगाइए, फोटोग्राफ्स लगाइए जो एक यूनिटी को, एक हैप्पीनेस को डिपिक्ट करें, ना कि कोई सैडनेस की, ग्रेवयार्ड की, टूटा घर हो, टूटी पेंटिंग हो। कुछ ऐसा टूटा फूटा घर में बिल्कुल भी मत रखिए। पेंटिंग्स भी एक अपनी एनर्जी एमिट करती है। ये आप अगर करेंगे तो एंजल्स आपके घर में खुद ही आ जाएंगे अगर आप जैसे उनको बुलाते हैं। अब डिपेंड करता है आप किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। आर्कएंजल शैमुल के क्लोज हैं, आर्कएंजल माइकल के क्लोज हैं, गैब्रियल के या जोफिल के, ये आपके ऊपर है कि आप किसको इन्वोक करना चाहते हैं। आप उन्हें बुलाइए और देखिए आपके घर में अपने आप ही काम खुद ही होने लग जाएंगे। और आपके अगर लोग नहीं आते तो वो भी आना पसंद करेंगे, वो और आपको कॉम्प्लीमेंट देके जाएंगे कि आपके घर में एक अजीब सी शांति है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, अच्छा लगता है आपके घर में आके। ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो भी आपने क्रिएट करी है पॉजिटिविटी आपके घर में, वो ही सबको इनवाइट कर रही है। आप ये छोटी छोटी सी तीन चार टिप्स जो मैंने दिए हैं उन्हें करिए, देखिए आपके घर में कैसे पॉजिटिविटी रहती है, एंजल्स आते हैं। थैंक यू फॉर टुडे एंड जस्ट बी विद मी ऑन माई चैनल। बाय बाय।